अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर। स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वो उसने हमें फिगर दे दी है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन की जो वैल्यू है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इन क्वेश्चन नंबर 10 के ए बी सी और डी पार्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वाले लेक्चर में ए और बी कर लें और नेक्स्ट जो है वो सी और डी कर लें, ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर भी ना हो। अब इसमें उसने हमारे पास एक तो बी जो है वो फाइंड करना है, दैट इज ई डी, जो साइड ई डी है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि ए फाइंड करना है, यानी ए की वैल्यू। इधर यहाँ से ए से डी तक 2a है और दूसरा सी से डी तक ए है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, यानी पहले ये वाली ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। मैं अलहदा से भी ड्रा कर लेता हूँ। ये ए बी सी कुछ ऐसे हैं, ये ए है, ये डी है और ये क्या है, सी है। और ये ए सी जो है, जो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 + 1 जो है ये कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल ए सी फाइंड करें, बाद में 3a हमारे, या चलिए 3a लिख लेते हैं। तो ये कितना है, ये 3a है और ये हमारे पास 36 cm है और ये 27 cm यानी सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर लिख देंगे कि हम किस को एन ट्राइंगल, किस कौन सी ट्राइंगल, ए बी सी जो है, जिसमें हमारे पास एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि जहाँ पर जो एंगल बी है वो हमारे पास राइट एंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एंगल जे जो है ये हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है बी। ये एक स्केयर सा होता है, यहाँ पर ये देखो एक बॉक्स होता है स्केयर, जो ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपका ये एंगल जो है ये राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्केयर, बेस का स्केयर और परपेंडिकुलर का स्केयर, या परपेंडिकुलर का स्केयर और बेस का स्केयर। अब हमारे पास बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये बहुत आसान होता है। हमेशा जो 90 का एंगल होता है राइट एंगल, उसके बिल्कुल आपके अपोजिट साइड पर जो होता है वो आपका एच होता है, यानी हाइपोटेन्यूज होता है। एच के बिल्कुल सामने वाली साइड के तरफ आपका परपेंडिकुलर होता है और नीचे आपका क्या होता है, बेस होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि एच हमारे पास क्या है, 3a, तो 3a का देखो स्केयर लिख दिया, बेस हमारे पास देखो 27 है, तो 27 का हमने क्या कर देना है, स्केयर ले लेना है, और परपेंडिकुलर हमारे पास 36 है, तो 36 का स्केयर ले लेना है। 3 × 3 = 9, ये ए स्केयर हो जाएगा। अब देखिए 27 का स्केयर हम ले लेते हैं, कि 27 का स्केयर हमारे पास कितना बनता है, 729 + 36 का स्केयर लेते हैं, 36 × 36 = 1296। अब देखें 1296 में हम ऐड कर लेते हैं जी 7 × 9 = 7525, ये हमारे पास क्या आ गया जी, 9a स्केयर। अब हम क्या करेंगे, a स्केयर को इधर ही रहने देंगे, 7525, ये जो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इधर आके इसके नीचे क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। तो अब देखें हम इनको डिवाइड भी कर लेते हैं, तो हमारे पास डिवाइड करते हैं, तो 225 = a स्केयर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कट जाएगा, ए इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाता होता है, 15 यूनिट जो भी है वो हम साथ लिख देंगे, सेंटीमीटर आए थे सेंटीमीटर। तो एक तो हमारे पास ए हमें चाहिए था, जो हमने फाइंड कर लिया, ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और अगर ये 2a कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ए एक इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए 2a इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम एक और ट्राइंगल लेते हैं, ये वाली सी ई डी या सी डी ई। अब उसको मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, जैसे जिस शक्ल में वो है उसी तरह आपके आसानी के लिए। मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ये यहाँ पे मेरे पास डी है, यहाँ पे मेरे पास ए है, ए सेंटीमीटर से लिखा हुआ, ये सी है जो कि यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है, और ये जो है मेरे पास बी, उसने लिखा हुआ बीस सेंटीमीटर, यानी जो मैंने क्या करना है, फाइंड करना है, और यहाँ ऊपर मेरे पास क्या है, ई है। अब ए क्योंकि उसने मुझे दे दिया 15, तो ये मैं इधर चाहूँ तो 15 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, यानी बी सी। अब मेरे पास इसमें क्या है जी, ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल हमारे पास सी डी ई है, जिसमें एंगल सी क्या है, 90 डिग्री का है, ये 90 का है, इसके बिल्कुल सामने आपका हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज के सामने आपका परपेंडिकुलर है और नीचे आपका क्या है, बेस है। नाउ अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर और बेस का स्केयर। इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, बी है, तो इधर लिख लें जी बी का होल स्केयर, क्योंकि ये आपका हाइपोटेन्यूज है ना, जो कि क्या है, डी ई है, लेकिन डी ई को उसने क्या कहा हुआ है, बी कहा हुआ है, तो हमने बी लिख दिया।
परपेंडिकुलर हमारे पास देखें जी 60 है, 60 का स्केयर आ गया, बेस हमारे पास क्या है 15 है। आई थिंक ये हो जाता है जी 3600 और ये 225, अच्छा 258 आई थिंक यही होता है, लेकिन चेक भी कर लेते हैं इनको सारियों को। 3060 × 60 × 25 × 25 × 8 ठीक है 3825 आते हैं। अब देखें स्केयर रूट इसके लेते हैं, ठीक है। अब देखें टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड हमने क्या करना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करना, इधर भी स्केयर रूट इधर भी स्केयर रूट कट जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना आया 68 1.8 जो भी यूनिट है इनके साथ दिया हुआ सेंटीमीटर है, तो ये देखें सेंटीमीटर लगा दें तो बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 61.8 आ गई है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसका पार्ट वन जो है वो हमने कर लिया कंप्लीट। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम चलें अगले पार्ट बी की तरफ। टेन का पार्ट बी है, अच्छा जी एक ऐसे उसने एक राइट ट्रायंगल से पहले बनाई ऐसे और इधर से फिर उसने एक इधर बना दी, ये हमारे पास क्या है 90 का है, अच्छा ये 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है जी 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, अच्छा 25 है और 39 है। इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं डी कह देते हैं, और फाइंड हमने क्या करना है डी, ये डी सेंटीमीटर यानी कि ए सी हमने क्या करना है फाइंड करना है। अच्छा जी और क्या फाइंड करना है इसमें ए सी के अलावा 3 सी और, अच्छा जी 3 एक और चीज़, ये 3 सी और सेंटीमीटर है और ये वाला क्या है 4 सी और साथ इसे क्या है सेंटीमीटर है, इन इसमें हमने डी और क्या करना है जी सी हमने क्या करना है फाइंड करना है, डी और सी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बी सी डी ले लेते हैं, बी सी डी बी सी डी ये जो पूरी है ट्रायंगल है वो लेते हैं, मैं अलग से भी बना देता हूँ, वो कुछ ऐसे है ये बी है ये सी है और ये मेरे पास डी है। अब बी डी देखो बी डी टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा 7 सी सेंटीमीटर। अब 7 सी सेंटीमीटर कैसे, देखिए ये जो बी डी है ये पूरी लाइन है, बी डी पूरी लाइन है जिसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं, एक ए बी पार्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर है 4 सी सेंटीमीटर है और एक ए डी पार्ट है जो कि 3 सी सेंटीमीटर है। तो टोटल 3 सी और 4 सी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 7 सी सेंटीमीटर हो गया, तो इसलिए। और ये वाला मेरे पास कितना है जी 39 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो मेरे पास क्या है 25 सेंटीमीटर। तो और यहाँ पर मेरे पास क्या है राइट एंगल है, इसके सामने मेरे पास एच है, एच के सामने वाली साइड में मेरे पास पी और नीचे मेरे पास क्या है बी, यानी एच है हाइपरटेन्यूज, पी परपेंडिकुलर और बी बेस। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपरटेन्यूज का स्केयर परपेंडिकुलर का स्केयर और बेस का स्केयर, लेकिन मैं यहाँ पर बताऊँगा इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी को मैं ले रहा हूँ कामा डाल के मैं लिख दूंगा एंगल बी जो है वो राइट एंगल है दैट इज 90, कि ये जो एंगल बी है ये मेरे पास कितना है 90 डिग्री का, ठीक हो गया। अब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितने 39, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा जी 39 का होल स्केयर, देन परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 7 सी है, मैं 7 सी लिख दूंगा इसके ऊपर होल स्केयर, देन मेरे पास बेस मेरे पास कितना है जी 35 का स्केयर ले लेता हूँ 39 15 21 15 21 is equal to 49 c square। और ये हमारे पास कितना होता है 6 to 5 होता है। अब 6 to 5 इस तरफ आएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि उस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो गया माइनस हो गया और 9 c square हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, अच्छा जी माइनस किया तो हमारे पास आ गया 128 इसको थोड़ा सा नहीं आया
थोड़ी सी वैल्यू कैलकुलेटर में गलत हो रही है, ऐसे हम लिख लेते हैं। इधर से कर लिया 1, 11 में से 5 है 6, इधर 1 बचा, इधर से कर लिया 4, इधर कितना बचा जी 9, इधर हमारे पास 8, क्या बचा जी 896। 896 डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया जी 18.2857, 18.2857 इज इक्वल टू सी स्केयर। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केयर रूट ले लो, इधर भी स्केयर रूट ले लो, ये कट जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। तो जब इसका स्केयर रूट ले लिया हमने तो हमारे पास आ गया जी 4.28, 7666 8 इस तरह आ रहा है, तो मैंने 4.28 और 7 यूनिट लिख लूंगा सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब देखें कैसे, सिंपल, इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास 896 है, ये 49 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, इन दोनों को आपस में जब डिवाइड किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई थी, इसलिए मैंने टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड किया ताकि मुझे सी का स्केयर भी चाहिए, इसलिए सी के स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल दिया, इसका स्केयर रूट लिया तो 4.28 सेंटीमीटर आ गया। सी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी, सी मेरे पास क्या हो गया, आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसके साथ दूसरा जो मुझे चाहिए क्या फाइंड करना है जी, मैंने डी फाइंड करना है। अब जो मैंने डी फाइंड करना है तो उसमें मेरे पास जो ट्राइंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, ए बी सी बनेगी। मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ ए बी सी, जिसमें यहाँ मेरे पास 4 सी सेंटीमीटर है और ये डी है, जो डी सेंटीमीटर मैंने फाइंड करना है, और ये मेरे पास कितना है जी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैं लिख लूँगा कि मैं कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं ए बी सी ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए बी सी जो है, क्योंकि डी को फाइंड करने के लिए ए बी सी। इसमें मेरे पास जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का राइट एंगल है, सामने ये वाला हमारा 90 का एंगल है, इसके सामने हमारा एच है, एच के इस तरफ अगर बात करें तो पी है और दोनों के नीचे क्या है बी। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर और बेस का स्केयर। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, डी है, तो डी मैंने लिख दिया, इसके ऊपर स्केयर, फिर परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 4c है, देखिए 4c का स्केयर प्लस डी 25 है, तो 25 का देखिए स्केयर ले लिया, ये देखो मेरे पास डी स्केयर हो जाएगा, 4 का जो स्केयर है ये कितना हो जाएगा जी 16 सी स्केयर हो जाएगा प्लस 25 क्या हो जाएगा 625 आ जाएगा, 25 25 625 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर से देखनी है, डी स्केयर इज इक्वल टू 16 इंटू सी की वैल्यू, अब आपने सी की वैल्यू पुट करनी है, कौन सी 4.28, क्या करनी है जी 4.28 का स्केयर प्लस 625। अब देखें यहाँ पर आपने स्टेप गौर से समझना है, 4c, क्योंकि ये वाली साइड जो थी वो क्या थी 4c थी, तो मैंने 4c जब 4 का स्केयर लिया तो 16 हो गया, और c के ऊपर भी स्केयर हो गया, 25 का स्केयर 625 हो गया, 16 इसी तरह आ गया। c की जगह जो मैंने c की वैल्यू निकाली थी वो लिख दी, अब क्योंकि ये c की वैल्यू है, c के स्केयर की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका स्केयर स्केयर डाल दिया। आप चाहते हैं तो यहाँ स्केयर की वैल्यू 18.2857 अप टू 9 भी ऐसे लिख सकते थे, ठीक है जी। अच्छा ये 6 था, 28 नहीं, ठीक है 280 था, ठीक है। आप चाहें तो ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, 4.28 को 4.28 से मल्टी, यानी 4.28 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, 4.28 मल्टीप्लाई बाय 4.28, फिर मैं क्या करूँगा उसी वैल्यू को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में आपने क्या करना है 4.28 फिर मल्टीप्लाई करें 4.28, फिर उसके बाद आपने उसे 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा इन सारे को आपने 16 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आता है 293.094 आ रहा है 9, चले मैं 9 ही लिख लेता हूँ, प्लस 625। अब इसमें मैं ये वाली वैल्यू ऐड भी कर लेता हूँ, अब देखें ये वाली वैल्यू मैंने इसमें क्या कर दी, ऐड भी कर दी, तो 918.094 918.094
फोर आ रहा है, नाइन फोर ही मैंने लिख दिया, जीरो नाइन लिख दिया, ठीक है ये आ गया। और ये क्या है, डी स्केयर है, मुझे डी स्केयर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। तो इसलिए मैंने स्केयर रूट को, स्केयर को खत्म करना है। अगर मैंने स्केयर को खत्म करना है तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड डालूंगा, इधर भी स्केयर रूट, इधर भी स्केयर रूट, ये देखिए इससे कट गया, डी इज इक्वल टू स्केयर रूट ले लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया जी, यानी एस को मैं लिख दूंगा जी राउंड ऑफ करके 3030, ठीक है, 3030 मेरे पास यूनिट आई सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह असल में मैंने क्या किया, डी और सी, सी डी और सी, ये दो वैल्यू थी, ये मैंने फाइंड करनी थी, यानी सी और डी ये मैंने फाइंड कर ली। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है उसका पार्ट सी है, वो इस तरह के डायग्राम जो हमें यानी कि फिगर दे दी है, इसमें उसने हमें तीन राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, एक हमें दे दी ए बी सी, दूसरी हमें दे दी ए सी ई, और चौथी तीसरी हमें ए डी सी डी ई, यानी हमें तीन इसमें 1 2 3 मैंने इसलिए मार्क कर दिया ताकि 1 by 1 में जैसे सॉल्व मैंने जिस ऑर्डर में मैंने सॉल्व करनी है 1 2 3 मैंने लिख दिया एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जी हमारे पास जो तीन अलग अलग हैं वो इसी तरह हमारे पास जो एक ही करके हम सॉल्व करेंगे, और उसने हमें कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो अननोन हमारे पास एक ई है जैसे दो दफा दिया हुआ है, और एक एफ है, ई और एफ को हमने सॉल्व करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इसको 1 इसको 2 इसको 3 क्यों कहा है, 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं कहा, या 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं कहा, सबसे पहले मैंने 1 इसको क्यों कहा, क्योंकि मैं सबसे पहले सॉल्व इसको करूंगा, और दूसरा इन दूसरियों को मैंने पहले क्यों नहीं सॉल्व किया, उसकी रीजन ये है कि ये जो है हमारे पास अगर ए बी सी देखें तो उसने हमें ये वाली साइड हमें दे दी है जो कि ए बी 32 है, और ए सी हमारे पास 27 है, और बी सी दैट इज 4 ई, वो हमने फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास ये वाली हमने इसलिए सॉल्व की है, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरी डेट आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप के पास ये वाली साइड है ए ई सी, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमारे पास क्या है कि जो ये वाली साइड दी हुई है और ये वाली साइड दे दी है, और हमने क्या करना है, हाँ ठीक है, ये दो साइडें हमें दे दी हैं, और ये वाली साइड इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाली साइड हमारे पास आ जाएगी, लेकिन इस वाली साइड के अलावा हमारे पास जो है ई नहीं होगा। तो इस वाले को हम इसलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि इस वाली साइड से हमारे पास ई आ जाएगा, जब ई हमारे पास आ जाएगा तो इसका मतलब है ये वाली साइड भी ई हम यहाँ पुट करेंगे तो ई डी हमारे पास ये वाली साइड भी आ जाएगी और ये वाली साइड भी आ जाएगी। तो इसलिए ये वाली दो साइडें हमारे पास होंगी तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, साथ साथ में मजीद चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब इसमें हमारे पास ए सी हमारे पास कितना है, 27 है, जो मैंने जो जो चीजें थी डेटा था वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, कौन सी ट्रायंगल सॉल्व करने लगा ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये वाली जो ट्रायंगल है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, डबल लाइन से आपको पता चले कि मैं ये वाली सॉल्व करें, इसलिए मैंने यहाँ मान ली थी। अब इसमें हमारे पास ट्रायंगल है हाइपोटेन्यूज का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर और बेस का स्केयर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। By applying Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square or base square. अब hypotenuse क्या है, perpendicular क्या है, base क्या है, यहाँ पे आपको बता। जो आपका राइट एंगल होता है, जो कोने में आपका बॉक्स स्केयर सा नजर आता है, ये आपके राइट एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका मतलब होता है कि ये आपका राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जैसे मैंने एरो लगाया हुआ, इसका मतलब है कि ये आपका hypotenuse होता है, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट पे hypotenuse होता है, जो कि स्लाइड सर्कल में होता है, स्लोप में होता है। हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आप देखें तो ये जो साइड है आपके पास परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों के नीचे जो है वो आपका बेस होता है, ये मैंने साथ बेस लिख दिया। अब बंद है बंद करके एच की जगह 32 लिखूंगा, देखिए 32 इसका स्केयर लिख दिया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर देखो हमारे पास ए सी है, ये बी है, दैट इज 27, मैं 27 लिखूंगा इसका स्केयर, और फिर मेरे पास बेस जो है वो मेरे पास क्या है 4e है, मैं 4e लिखूंगा और इसका स्केयर लिखूंगा। अब ये हो जाएगा 1024 729 प्लस 16 ई स्केयर, चेक भी कर लेते हैं, वैसे तो ये वैल्यू हम सॉल्व बार बार वैल्यू यूज होती है तो पता चल ही जाता है कि हमारे पास कितना होता है, 16 का 1032 का 1024 आ गया और इसका जी 729। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, अब देखते हैं 1024 - 729 = 16 ई स्केयर। अब देखो क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये इस तरफ जब आएगी तो माइनस हो जाएगी,
क्यों क्यों माइनस हो जाएगी कि हमें ई चाहिए, तो ई के साथ जो भी ऐड होगी इधर आके सबट्रैक्ट होगी, ये जो ई के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है ये आगे तक डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 295 आ जाएगा। 295 = 16 ई स्क्वायर। अब हम क्या क्या करेंगे, 295/16 = ई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, ये कट गया तो ई में इस तरफ लिख दे तो ये दोनों को डिवाइड करके इनका स्क्वायर रूट ले लेते हो। अब देखो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो, और डिवाइड करने के बाद इनका मैंने क्या कर दिया जी, ले लिया जी स्क्वायर रूट ले लिया, तो 4.29 आ गया, इन्हें से स्क्वायर आउट करके 4.29 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा समझ लेता हूँ, अब हमने क्या किया कैलकुलेटर से, अब पहले करें 295 डिवाइडेड बाय क्या करें 16 कर लें और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 4 मल्टीप्लाई बाय इसी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक ये वाली बी सी भी आ जाएगा, लेकिन उसने हमें हमसे ई का पूछा हुआ है, 5 जो अननोन है वो आपका ई है, 4 ई नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमने जो ए सी है ये हमारे पास कितना है 27 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में मीटर में सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास ए सी, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी, कौन सी ट्राइंगल, ए सी ई, ये वाली जो ट्राइंगल है ए वाली, ये मैं इसको दोबारा थोड़ा सा डार्क करता हूं आपको पता चलेगी, और इसके बीच में 2 लिखा है, इसको सेकंड ऑर्डर में सॉल्व, इसमें हमारे पास देखो ये वाली साइड दे दी है और ए सी दे दी है, ए ई सी हमें फाइंड करना है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, ए सी 27 है, ए ई 22 है, सी ई मैंने फाइंड करना है। अब बाय अप्लाइंग द लैग्रेंज थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास कौन सी साइड है, अब जैसे मैंने यहां पर राइट एंगल के सामने वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूज की, इस तरह ये वाला मेरे पास राइट एंगल है, इसको बिल्कुल सामने वाला मेरे पास ए सी जो है वो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें मेरे पास ये वाली जो है ये 27 है, ये क्या है 27 है, ठीक है, ये मेरा अब हाइपोटेन्यूज आ गया, लेकिन मैं 27 से भी क्या लिखूंगा 27 और इसका देखो स्क्वायर इज इक्वल टू जी, देखो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल अपोजिट साइड का आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी ये वाला ए ई परपेंडिकुलर है जो कि 22 है, मैं 22 लिखूंगा और इसका स्क्वायर लिखूंगा, उसके साथ बेस, बेस इन दोनों के नीचे वाली साइड में बेस होता है जो कि सी ई है, वो मैंने फाइंड करने को मैं सी ई इसी तरह लेके उसके ऊपर स्क्वायर लिखूंगा। अब 27 का स्क्वायर जो है हमने लिया था यहां पर 729 हो गया, अब 22 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है जी, 22 का स्क्वायर कितना आ गया 484 प्लस सी ई का देखिए स्क्वायर, अब 729 ये 484 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 484 इधर आके माइनस हो जाएगा और यहां बच जाएगा सी ई और इसके ऊपर स्क्वायर का, अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं 245 आ गया, 245 = CE का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 245 का CE का स्क्वायर है, इसको मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं लेता, इसको मैं इधर छोड़ देता हूँ, उसकी रीजन क्या है बस आप ये समझ जाएंगे कि मैंने क्यों नहीं किया। अब देखिए नेक्स्ट मैं चलता हूँ किस ट्राइंगल को, ट्राइंगल नंबर थ्री इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल CED, एंगल ई 90 डिग्री, इसका मतलब है कि एंगल ई 90 है और इसमें हमारे पास एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, इसी तरह इसमें हमारे पास सीई जो है सी ई हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में इसी तरह रहेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि बाय अप्लाइंग द लैग्रेंज थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास इसका जो एंगल सी है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल सी ये देखिए एंगल सी 90, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपका क्या है हाइपोटेन्यूज, यानी ये आपका हाइपोटेन्यूज है,
उसी के बिल्कुल बराबर है, सामने वाली अपोजिट साइड पे आपका परपेंडिकुलर है और उसी इन दोनों के नीचे बेस है, बेस आपका क्या है सीई है। देखो मैं बेस की जगह क्या लिख दूंगा सीई, यानी हाइपोटेन्यूज नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है ई डी है, तो पहले मैं ई डी की जगह क्या लिखूंगा फाइव ई का स्केल। अब यहाँ पे आपको बहुत सी चीज समझेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या था एच है, एच हमारे पास फाइव ई है तो एच की जगह फाइव ई, आप इक्वल है मैंने इक्वल लगा दिया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है सी डी जो कि मेरे पास एफ है तो एफ का स्केयर, बेस बेस मेरे पास क्या है सी ई है तो मैं समझ लूंगा क्या लिखूंगा सी ई का स्केयर। अब देखिए हमारे पास क्या है फाइव मल्टीप्लाई बाय ई है, ई की वैल्यू मेरे पास क्या है 4.29 है, मैं इधर लिखूंगा 4.29 और ऊपर स्केयर इसी तरह लिखूंगा इज इक्वल टू एफ का स्केयर हो जाएगा। और ये देखिए सी ई का स्केयर 245 है। अब मैं बता दूं ये देखो ना यहां पे मैंने स्केयर की शक्ल नहीं छोड़ दिया था क्योंकि अगर मैं इसको दोनों तरफ स्केयर रूट लेके एक वैल्यू निकाल लेता तो दोबारा मुझे वही चीज का स्केयर लेके दोबारा मुझे यही वैल्यू मेरी आ जाती थी, तो इसलिए क्योंकि मुझे सी ई का स्केयर दोबारा चाहिए था, सी ई का होल स्केयर चाहिए था, इसलिए मैंने जहां सी ई का होल स्केयर आ गया मैंने वहीं छोड़ दिया क्योंकि अगली बार ट्रायंगल में सी ई जो है इन दोनों में सी ई कॉमन है, इसलिए मैंने यहां पर स्केयर रूट तक ही किया आगे सॉल्व नहीं किया इसको मैंने, इसीलिए क्योंकि मेरे लिए आसानी हो गई कि दोबारा जब सी ई मुझे नजर आया तो सी ई की जो वैल्यू थी उसको मैंने वहां पर पुट कर दिया। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 21.45 इसके ऊपर मैंने स्केयर ले लिया इज इक्वल टू एफ का स्केयर प्लस 245। अब इसका मैं स्केयर 460.1025 माइनस 245 इज इक्वल टू एफ स्केयर। अब क्या होगा ये जो 245 था ये इस तरफ आपके वैल्यू से माइनस हो गया, जब मुझे एफ चाहिए ना तो ये जो फालतू वैल्यू जो एड हो रही है आपसे सेपरेट 215.1025 तो आपके पास आ जाता है 14.666 इस तरह आ रहा है तो हमें से 14.7 सेंटीमीटर राउंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि 66 आ रहा है ना तो आगे वैल्यू मतलब वेरी क्लोज टू 7 है तो इसलिए मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो 14.7 जो एफ की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है और दूसरा मेरे पास ई की वैल्यू चाहिए थी, दो अननोन थे दोनों मैंने फाइंड कर लिए, तो मेरे पास जो पार्ट इसका सी है वो हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट अभी हमारे पास आ गया कि पार्ट इसका डी आ गया, अब पार्ट डी में उस इस तरह की उसने एक शेप दे दी जिसमें उसने हमें कितनी दे दी है 1 2 3 4 राइट एंगल जो है वो बन रहा है और उसने क्योंकि जो क्वेश्चन बताया है उसकी स्टेटमेंट उसने यही हमें कही हुई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि जितनी भी एक से ज्यादा फिगर दी हुई है उनमें कह रहा है कि अननोन की वैल्यू फाइंड कर, तो इसमें अननोन हमारे पास जी है, हमने जी फाइंड कर मतलब हम मशरक में खड़े और मगरब में उसने हमें एक वैल्यू दे दी, हमें मशरक से होकर मगरब की तरफ जाना है। अब क्या है कि जो पहली हमारे पास ऐसा इनको नाम दे देते हैं हम, ये देखो जी है हमारे पास ए है ये ए ये बी है ये सी है ये डी है ये ई है और ये एफ, हम पहले जो ट्रायंगल है वो ले लेते हैं इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ए ए बी सी जिसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये देखें ये राइट एंगल है ये 90 डिग्री, इसमें अगर हम देखें तो हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक साइड की गिवन है, ये दोनों साइड गिवन नहीं है, तो क्योंकि उसने इस साइड पे हमें उसने दोनों साइड दे दिए इन दो साइड की हेल्प से ये वाली साइड जब आ जाएगी तो अगेन ये वाली और ये वाली दो हो जाएगी, इन दो की हेल्प से ये वाली ए सी आ जाएगा, जब ए सी आ जाएगा तो हमारे पास ए बी सी ये बी है ई और एफ है, ठीक है। फिर इसी तरह जब ए
बी और बी सी की हेल्प से हमारे पास ए सी आ जाएगा, फिर ए सी और सी डी की हेल्प से हमारे पास ए डी आ जाएगा, फिर इसी तरह ए डी और डी ई की हेल्प से हमारे पास ए ई आ जाएगा, और ए ई और ई एफ की हेल्प से हमारे पास ए एफ जो कि हमने फाइंड करना है फाइनल दैट इज जी, वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहले रूट राइट लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि देखिए मैं इसको एक अलग से अगर शेप बनाऊं तो ये कुछ ऐसी शेप बन रही है जिसमें यहाँ पे मेरे पास राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और यहाँ 35 है। तो इसका जो राइट एंगल होता है उसके अपोजिट साइड पे आपका हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपका परपेंडिकुलर होता है, दोनों के नीचे आपका बेस होता है। तो इसलिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दो साइड गिवन है, तो इसलिए वहां बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इन्हीं पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना है 35 है, तो 35 का देखो स्क्वायर ले लेंगे। आगे हमारे पास परपेंडिकुलर है जो कि हमने फाइंड करना है, AC हम AC लिख देंगे, और हमारे पास जो बेस है बेस हमारे पास जो 7 है 7 का हम क्या ले लेंगे स्क्वायर। अब 35 का हम क्या करते हैं जी स्क्वायर लेते हैं, तो 35 का स्क्वायर 35 into 35 1225 1225 is equal to AC का square plus 49। अब ये 49 ऐड हो रहा है, इधर आपने से इसमें से क्या का हो जाना है माइनस हो जाना है, और दूसरी तरफ ए सी का स्केयर आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करते हैं जब 49, तो हमारे पास 1176 आ जाएगा, 1176 आ जाएगा, और ए सी का स्केयर, हमें ए सी का स्केयर नहीं चाहिए, हमें ए सी चाहिए, इसलिए बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो इससे स्केयर रूट कट जाएगा, ए सी आ जाएगा, और इसका हम क्या ले लेते हैं स्केयर रूट ले लेते हैं। अच्छा एक और चीज हम ऐसा करते हैं स्केयर रूट ले लेते हैं उसके आप और आसान करेंगे, मैं सुरेश करता हूँ, मैं आपको वजह बताता हूँ आप रीजन बताता हूँ उसका स्केयर रूट ये कितना आया 11 तो आप चेक कर लेते हैं कि 1225 - 49 1176 ये आ गया इस इक्वल टू ए सी का स्केयर। इसको इसी तरह रहने दें, उसकी रीजन में थोड़ा आगे चल गया। अब जो वन है उसको मैंने सॉल्व कर लिया, अब मैं क्या करूँगा टू को सॉल्व। टू मेरे पास क्या है इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है पास ए सी डी, ए सी डी है। अब देखिए इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, ए इधर आ जाएगा जी मेरा सी और इधर आ जाएगा जी मेरा डी। ठीक हो गई, अब इसकी जो वाली वैल्यू जो है वो मैं रेज कर लेता हूँ ए सी। अब इसी तरह हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा और ये भी इसी तरह रहेगा। अब ये वाली जो फिगर नंबर टू है ए सी, ये देखेंगे ए सी है और सी डी, ये देखें सी डी है और ए डी जो है ए डी ये मैंने फाइंड कर लिया। अब ए सी जो है वो मेरे पास क्या है वो मैं आगे जब सॉल्व करता हूँ तो पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा मैं अप्लाई करता कर सी हाइपोटेन्यूज का स्केयर परपेंडिकुलर का स्केयर और बेस का स्केयर। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है ए सी है, तो देखो मैं इधर क्या करूँगा ए सी और इसके ऊपर स्केयर है उसके ऊपर स्केयर डाल दूंगा। आगे बी है, बी मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर जो कि ए डी है, तो मैं इधर ए डी लिखूंगा क्योंकि वो मैंने फाइंड करना है, तो इसका स्केयर आ जाएगा। फिर बेस, बेस मेरे पास सी डी गेट जो कि 7 है, तो मैं 7 का स्केयर ले लूंगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज को गौर से समझना है कि मैं इसको ए सी का टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड क्यों नहीं किया छोड़ दिया, उसकी रीजन ये है कि ए सी ने आगे जाके रिपीट होना था और उसके उसका स्केयर ही मुझे चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसका स्केयर ही चाहिए, जो ए सी का जो स्केयर है 1176, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा 1176 इसी तरह रखूंगा, क्योंकि अगर मैं स्केयर रूट लूँ और फिर दोबारा फिर उसका स्केयर मुझे दोबारा स्केयर लेना पड़ेगा, यानी पहले इसका स्केयर रूट खत्म करके सिंपल वैल्यू में लेता हूँ फिर उसका स्केयर लूंगा तो फिर दोबारा ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि मुझे ए नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है उसमें मुझे ए सी जो है वो स्केयर की शक्ल में ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया। तो इसलिए ये देखो जो ए सी स्केयर था मैं ऊपर आकर ए सी स्केयर फाइंड कर चुका हूँ, इसलिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखें ए डी जो है वो मैंने फाइंड करना है, तो ए डी में इसी तरह लिख देता हूँ सुपर स्केयर और ये कितना हो जाएगा 49। अब देखेंगे अब इस तरह होगा कि ये जो 1176 है इसमें से 49 माइनस हो जाएगा और ये ए डी का स्केयर हो जाएगा। अब आप देखें क्या होगा, ये जो वैल्यू प्लस हो रही थी ये इधर आके माइनस होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि 11 जो मेरे पास 76 है उसमें से 49 माइनस कर लेता हूँ, तो मेरे पास 11 27 आ जाएगा, कितना 11
27 is equal to AD कैसे। अब भी मैं इसका स्केयर रूट नहीं खत्म करता क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे जो AD है वो क्योंकि कॉमन है नेक्स्ट वाली फिगर नंबर 3 में AD जो है वो इन दोनों में ACD और ADE इन दोनों में AD कॉमन है तो इसलिए मुझे AD आगे जाके स्केयर की शक्ल में चाहिए इसलिए मैं इसको इधर ही छोड़ देता हूं। अब मैं इसको इस तरह चेंज कर देता हूं A नेक्स्ट फिगर नंबर 3 अब मैं इसको ये सॉल्व होगी ये सॉल्व होगी अब इसकी बारी है तो ये A ये D और ये वाला क्या हो गया E हो गया ठीक है। अब मैं इधर लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ADE जो थर्ड वन है ये तीसरी वाली इसको मैं सॉल्व करता हूं। Now, again by applying the Lagrange's theorem, that is, hypotenuse का square is equal to perpendicular का square on base square. अब मेरे पास AD जो है वो hypotenuse है, क्योंकि इधर में क्या लिखा हुआ? AD का hypotenuse इसका square लिखते हैं, आगे equal का sign, perpendicular. ये देखिए, इसके side perpendicular हमारे पास क्या है? AE है, तो मैं ये देखो AE लिख देता हूँ, तो इसका square. फिर आगे देखो base है, base मेरे पास ये देखो ED है, जो कि 7 है, देखो मैंने 7 का square लिख दिया. अब ये हो जाएगा AD का is equal to a e का स्केयर और इसको भी मैं इसी तरह रहने देता हूं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे जो a e है उसका स्केयर ही चाहिए। अच्छा इसमें एक चीज आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि एंगल e is equal to 90 डिग्री ठीक है ये तो क्योंकि हम a d e ले रहे हैं उसमें हमने बताना है कि हमारा एंगल e जो है वो 90 का है जैसा कि इसमें हमने बताया था 90 का जैसे इसमें हमने नहीं बताया इसी याद है हम बता सकते हैं कि एंगल कौन सा था हमारे पास ये किसी a c d है ए सी डी एंगल डी 90 है इसमें एंगल डी इज इक्वल टू 90 अब हमारे पास जो थर्ड वाली फिगर है उसको भी हमने राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास आएगी लास्ट दैट इज ए ई डी ठीक है। अब हम ध्यान रखते हैं इन ट्रायंगल ए डी ए ई एफ जिसमें हमारे पास एंगल एफ जो है वो 90 डिग्री। अब ये A है ये E है और ये हमारे पास क्या है ये F है और अब इसमें हमारे पास AF जो है AF हमारे पास G सेंटीमीटर है तो मैं G लिख देता हूं और EF जो है वो 7 है तो 7 ही लिखता हूं। अब हमारे पास अगेन बाय अप्लाइंग द लैग्रेंज थ्योरम दैट इज H का स्क्वायर P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। H हमारे पास ये देखो ये राइट एंगल के बिल्कुल सामने H है जो कि AF है तो मैं इधर क्या लिख देता हूं AF का स्क्वायर A नहीं ए ई ये क्या है ए एफ नहीं ए ई ये क्या है ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास देखो ये वाली साइड परपेंडिकुलर है क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के सामने परपेंडिकुलर जो कि जी है तो इधर मैं जी लिख दूं और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दूं। आगे बेस बेस हमारे पास 7 है देखो 7 का मैंने क्या डाल दिया स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब देखिए ए ई का स्क्वायर जो है मेरे पास ऑलरेडी मैं पहले फाइंड कर चुका हूं उधर मैं लिख दूंगा AE का 1078 आगे इक्वल का साइन AE का स्क्वायर मेरे पास 1078 है 1078 इक्वल इसमें आगे G का स्क्वायर G स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब देखो 1078 माइनस 49 इज इक्वल टू G स्क्वायर। अब ये 49 तो प्लस हो रहा था इधर आगे क्या हो गया माइनस हो गया तो अब हम मैं क्या करूंगा 1078 माइनस 49 1029 is equal to g square. अब देखें यहां पर मैं स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास जो अननोन है वो g है और g मुझे चाहिए यहां पर g square मुझे नहीं चाहिए मुझे g चाहिए इसलिए मैं क्या करूंगा इसका इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इसको हमारे पास कितना है वन डिजिट का हम लिख लेंगे 32. कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अप टू 1 डिजिट इसको हम लिख लेंगे तो ये यूं हमारे पास जो वैल्यू थी अननोन जी वो हमने फाइंड कर ली। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।